ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ। ਸੋ PBN ਦੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਘੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ। ਦੋਸਤੋ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਂ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਆ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਸੇ, ਆਸਾਮ ਸੇ। ये बच्ची है, सबसे छोटी उम्र की है इस एग्जीबिशन में, तो ये हिमाचल से स्पेशल इस एग्जीबिशन के लिए आई है। पानीपत से आर्टिस्ट हैं, अबोहर से हैं और कई जगह से आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं, तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो सबके बहुत अच्छे हमने बेहतरीन वर्क्स हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। तकरीबन कितने आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स यहाँ लगाई हैं? 31 आर्टिस्ट हैं इस एग्जीबिशन में, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और इसका आपका एग्जीबिशन आपने ऑर्गेनाइज़ किया, इसका मोटिव क्या था? मोटिव यही है कि जो आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लाइक जो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं वो तो उनका तो काम चल रहा है, जो आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं या अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो उनको कोई प्लेटफॉर्म के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अकेले वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं अपने शोज़ को। तो हमने ये प्लेटफॉर्म आर्ट जोन के बैनर के तले उनको दिया है। इस एग्जीबिशन का नाम हमने रखा है बेनेडिक्शन, जिसका मतलब होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद। सो लुधियाना वासियों का कितना आशीर्वाद मिला है ना आर्टिस्ट? लुधियाना हमें दो दिन, जिस दिन हमने इनॉग्रेट किया तो बहुत रश था। कल हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन था, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जसप्रीत सिंह जी, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा दो दिन। आज हमारी क्लोजिंग है, थर्ड डे आज। सो मैम, आप अगर आप बात करें आपकी पेंटिंग की, तो आप कितना टाइम लगा आपको ये पेंटिंग रेडी करने में? जी, मुझे ये पेंटिंग रेडी करने में 1 मंथ लगा और इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा इमोशंस और डेडिकेशन के साथ बनाया है। इसमें मैंने अपनी फीलिंग्स डाली हैं रिगार्डिंग पीस, जो भी पीस के बारे में इंपॉर्टेंस ऑफ पीस दिखाई है इसमें। आपकी पेंटिंग भी लगी हुई है, तो क्या खास आपने उसमें पेंटिंग? मैंने अपनी पेंटिंग अपनी लाइफ, मतलब अपने पे डिपेंड बनाई है कि एक लड़की या मुझको ही ले लो, है ना, कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या डिजीज़, फैमिली प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स, किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको मैंने अपने इमेजिनेटिव तरीके से अपनी पेंटिंग के थ्रू दिखाया है कि क्या क्या, कौन कौन से फीलिंग्स उसमें आ सकती हैं। पेंटिंग जैसे वैसे अनमोल होती है, मेहनत बहुत की जाती है। सो दोस्तों, मैं तुम्हें एक चीज़ होर दस दिया, तुम्हें सारों याद तो होगी किला रायपुर दी खेडा। सो किला रायपुर की जी खेडा है उन्होंने लोग भुलते जा रहे हैं, उन्होंने लैके भी कुड़ी ने पेंटिंग बहुत सोहनी बनाई है, मैं तुम्हें उत्थे लैके चल रहा वा। आओ आप चलते हो पेंटिंग के कोल जाते हैं जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पेंटिंग बनाई है किला रायपुर दी, तुहानू काफी प्यार भी मिलिया फेसबुक ते सारी जगह ते सारे दा। हां जी सर, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम सुप्रीम कौर है ते मैं पंजाबी कल्चर दे नाल रिलेटेड इह किला रायपुर खेडा दा शॉर्ट मैं ये लोगों को दसना चाहनी हाँ भी जिहड़ियां खेडां लोग भुलते जा रहे हैं, जिन्हें पूरे वर्ल्ड दे विच पसंद किया जाता है भी लोग भुलते जा रहे हैं, मैं लोगों को उस चीज़ के नाल उन्होंने दोबारा जोड़ना चाहनी हाँ। सो दोस्तों, असं आस करते थानू साडा अज दा प्रोग्राम बहुत वधिया लग्या होना। कैमरा परसन बी मनजीत दे नाल हरदीप दुआ नू दिओ इजाजत, धन्नवाद।